क्या आप जानते हैं लद्दाख में जानसन लाइन कहाँ है, फिंगर एरिया कहाँ पे है, मैग्नेटिक हिल, यक्षराज कुबेर की दिव्य नगरी, थ्री इडियट फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई, लद्दाख में एलियन कहाँ है, चाइना क्यों लद्दाख में घुसपैठ करना चाहता है, क्या चाइना भारत पर आक्रमण करेगा, लद्दाख में सबसे पहले चीन ने कब और कहाँ आक्रमण किया, एक अकेला सैनिक जिसने 72 घंटे तक चीन पे मोर्चा लिया और 300 सैनिकों को मार गिराया, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे। कृपया अंत तक वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल चंद ई गुरु आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो भारत चीन विवाद के मध्य जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बारे में बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि लद्दाख में जो गलवा घाटी है वहाँ पे दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तनाव की स्थिति बनी हुई है। यह आखिर में इसकी विवाद की जड़ क्या है, इसका मूल क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि पिगोंग झील, गलवा घाटी। पिगोंग झील भी वही स्थान है जहाँ पे थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी, जिससे वो बहुत फेमस हुआ था। इसके साथ साथ वहाँ पे कुबेर की जो दिव्य नगरी है उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही वहाँ पे जो मैग्नेटिक हिल है, फिंगर एरिया है जो कि जहाँ की पहाड़ियाँ फिंगर की तरह हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। आप अंत तक वीडियो देखें। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या चीन भारत पे आक्रमण कर सकता है और भारत पे उसने इस तरह का विवाद खड़ा करने की कोशिश क्यों की है। इसमें जानसन लाइन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो सबसे पहले मैं जानसन लाइन से ही शुरू करता हूँ। तो मैं बताऊँ कि सबसे पहले कि डब्ल्यू एच जानसन जो 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी थे, उन्होंने एक सर्वे किया और अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर के नक्शे में दिखाया। और तब से जो है जम्मू कश्मीर के नक्शे में ही जो है लद्दाख का क्षेत्र, जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, वो नक्शे में है। इसके बाद जो चाइना का जो चाइना सरकार है, चाइना सरकार के द्वारा जो नक्शे जारी हुए 1917 से 1933 तक, भी चाइना सरकार द्वारा पेकिंग में छपे पोस्टल एटलस ऑफ चाइना में अक्साई चीन को भारत का ही हिस्सा माना गया। अर्थात चाइना ने खुद ही माना है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, और उसके जो एटलस छपे हुए हैं, पुराने एटलस छपे हुए हैं, उसमें भी अक्साई चीन को भारत का ही हिस्सा माना गया है। तो फिर ये विवाद की जड़ कैसे शुरू हुआ, आखिर में विवाद की जड़ क्यों हुआ? ये विवाद की जड़ जो शुरू हुआ वह चाइना में माओ क्रांति हुई और कम्युनिस्ट सरकार बनी, तो वहाँ की नीति जो है विस्तारवादी हुई। और जो है 1948 में भी जब पाकिस्तान ने जो है कुछ हिस्से पे जम्मू कश्मीर में कब्जा कर लिया, तो उसमें से कुछ हिस्सा उसने जो है चाइना को भी दिया। तो इसके बाद से ही जो है चाइना की नज़र जो है वहाँ पे पड़ी हुई थी। 1958 में 1950 के दशक में जो है चाइना ने एक सड़क का निर्माण किया, जिसको कहा गया कि अक्साई चीन से होकर तिब्बत के जिनजियांग प्रांत को जो जोड़ने वाली सड़क थी उसको निर्माण किया, जो 1200 किलोमीटर लंबी सड़क थी, जिसमें से 179 किलोमीटर की जो रोड थी वो भारत के इलाके में थी। लेकिन उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने इसमें बहुत ध्यान नहीं दिया और वो केवल हिंदी चीनी भाई भाई के नारों में ही रह गए। और ये इतना अधिक विश्वास रखते थे कि भारत का बहुत ही घनिष्ठ पड़ोसी चीन है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और इस वजह से जो है चाइना का ने भी जो है इसका भरपूर फायदा उठाया और भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में उसने दर्शाने का हिमाकत करना प्रारंभ कर दिया। तो 1958 में जो उन्होंने जो चीनियों ने जो नक्शा बनाया 1958 में, उसमें अक्साई चीन के संपूर्ण इलाके को चीनी इलाके में दर्शाया गया। और यहाँ से विवाद की जड़ प्रारंभ हुआ। जो 1962 में जब युद्ध हुआ उसमें भी जो है ये भी एक मुद्दा बना था, लेकिन इस पर कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल सका। सबसे पहले इस एरिए में जो भिड़ंत हुई वह भिड़ंत हुई कोंकाला में, जो है 20 अक्टूबर 1959 को भारतीय गश्ती दल पर चीनी सैनिकों ने हमला किया, जिसमें से 9 सैनिक घायल हुए, 3 सैनिक मारे गए और 7 को चीनियों ने बंदी बना लिया। और यह इस क्षेत्र में पहला जो है इस तरह का जो है झड़प थी। चीन ने जो क्लेम लाइन की है, तो उसी समय जो 1958 में जो उन्होंने नक्शा बनाया था उसी में जो चीन की क्लेम लाइन है, उसने गलवान घाटी और पिगोंग झील को, पूरी पिगोंग झील को हिस्से को जो है अपने एरिया में शामिल किया है। गलवा घाटी बहुत फेमस रही है, 1962 में भी जो है एक टिगर पॉइंट थी और यहाँ पे युद्ध हुए थे।
और जो असली विवाद की जड़ है वो है फिंगर एरिया, जिसमें फिंगर एरिया वो है कि वहाँ पे 8 ऐसे पहाड़ हैं जो फिंगर की तरह है, उनको नंबर दिया गया है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, इस तरह से फिंगर 8 तक का उनको नंबर दिया गया है, जिसमें से 1 से लेकर फिंगर 4 तक का एरिया भारत का है और 5 से लेकर 8 तक का एरिया पे चीनियों ने कब्जा किया हुआ है। चीनी ये चाहते हैं कि भारत फिंगर 4 का एरिया छोड़ दे और जिससे कि वह स्ट्रैटेजिक रूप से और अधिक महत्व प्राप्त कर सके और सामरिक लाभ ले सके, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे घुसपैठ करते रहते हैं। चीनियों ने जो घुसपैठ की जो आदत है, जो राज्यसभा में बताया गया कि 2016 से 2018 के बीच में 1000 से अधिक बार चीनियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की है। यह उनका दबाव बनाने की रणनीति है, कभी डोकलाम में, कभी तवांग में और कभी जो है लद्दाख में, इस तरह का जो है दबाव बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये इनकी सलामी कूटनीति का एक हिस्सा है, सलामी टैक्टिक्स का एक हिस्सा है, जिसमें जो है वो कोशिश करते हैं कि दूसरे देश को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ें। फिर मैं बताऊं कि आखिर में वास्तव में क्यों ऐसा है कि चाइना की नज़र जो है लद्दाख क्षेत्र पर पड़ी हुई है। तो लद्दाख क्षेत्र में चाइना की नज़र पड़ी हुई है, वह प्राकृतिक संसाधन से बहुत ही भरपूर है, वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, ग्रेनाइट मिलता है, सोना और रेयर अर्थ भी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। यूरेनियम जो यहाँ पाया जाता है बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का यूरेनियम है। यह यूरेनियम में यहाँ पे 5.36% यूरेनियम मिलता है, इसलिए भी यह सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परमाणु बम बनाने के काम आता है। इसलिए भी इस एरिए पे चाइना की नज़र पड़ी हुई है कि जो यहाँ पे जो अयस्क है मिल रहे हैं, जो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन करने के लिए भी वह कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए कोशिश कर रहा है कि लद्दाख के क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लें। इसके साथ ही जो है वर्तमान की जो परिस्थिति है उससे यह भी हुआ है कि जो पीओके पे भारत का दबाव बना है, भारत ने जो है लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो दर्जा दिया है और ये कहा है कि जो पीओके का क्षेत्र है वो उसको भारत अपना वापस लेगा, इससे भी चीनी बौखला गए हैं। क्योंकि ऐसा होने पे जो उन्होंने वन बेल्ट वन रोड जो उन्होंने बना रखा है, जिसमें उन्होंने भारी भरकम निवेश कर रखा है, जो कि ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, तो उसमें उसका कुछ हिस्सा जब भारत में आ जाएगा तो उनका जो सारा निवेश डगमगा गया है और उससे वो बौखला गए हैं कि कहीं वो कंगाल ना हो जाए, इसलिए भी वो भारत पे प्रेशर बनाना शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी जो चीन की जनता है वो भी बौखलाई हुई है, चीन के शासकों के प्रति उन्हें विद्रोह की भावना है। हांगकांग में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, विश्व भी घेरने का प्रयास कर रहा है, इस वजह से चाइना बौखलाया हुआ है और ये कोशिश कर रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना जगा करके जो उसके नागरिक हैं उनका ध्यान भटका दिया जाए, तो इसलिए भी जो है चीन का दबाव भारत के ऊपर बनाना चाह रहा है। ये भी कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ से कंपनियाँ भाग रही हैं, आपने देखा होगा कि चीन के वुहान प्रांत से जो वायरस निकला है, जिसको कोरोना वायरस कहा गया है, कोविड-19 कहा जा रहा है, इसकी वजह से संपूर्ण विश्व में चीन की किरकिरी बनी हुई है और संपूर्ण विश्व में उसके प्रति विरोध का माहौल बना हुआ है और इससे के वहाँ की जो कंपनियां हैं वो भागने की कोशिश कर रही हैं, दूसरे देशों में अपना ठिकाना ढूंढ रही हैं। ऐसे में भारत उनको मुफीद ठिकाना दिख रहा है, भारत भी कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ से कंपनियां हट रही हैं वो भारत में आकर के लगाएं, तो इससे चीन का आर्थिक चीन के ऊपर एक आर्थिक दबाव बन गया है, वहाँ पे बेरोजगारी उत्पन्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, इससे भी चीन बौखलाया हुआ है और भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने बौखलाहट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी धमकी दी कि क्योंकि उन्होंने जो है वहाँ से आने वाली कंपनियों को विशेष सुविधा देने का घोषणा किया है। तो इस तरह से चीन का जो वास्तविक स्थिति यह है कि जो उसका ऊपर एक आर्थिक संकट का बादल मंडराने लगा है, इस वजह से चीन कोशिश कर रहा है कि भारत को अस्थिर किया जाए। फिर मैं आपको बताऊं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उसमें से बहुत सारी इंडिया की तरफ मुंह कर चुकी हैं। इसके अलावा जो वहां का जो रहस्यमय स्थिति है वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि वहां पे एक मैग्नेटिक हिल है। मैग्नेटिक हिल ऐसा है कि वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम सा है या नागण्य सा हो गया है,
क्योंकि वहाँ पे भी जो कोई गाड़ी अगर ढलान पे है तो नीचे की तरफ अपने आप नहीं आ सकती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि वह तेजी से ढलान पे नीचे की तरफ आएगी, लेकिन वह ढलान पे अगर न्यूट्रल में है तो वहीं पे वहीं खड़े रहेगी। और जैसे प्लेन में 20 की स्पीड से ऊपर की तरफ जाती है, उसी तरह से 20 की स्पीड में वो नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो वह वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा है जिसको जो विमान चालक है उन्होंने भी इसको महसूस किया है, और पायलटों ने भी कहा है कि उनको मैग्नेटिक झटके लगे हैं। तो इन सब रहस्यमय शक्तियों का केंद्र है। ये भी कहा जाता है कि पिगोंग झील के आसपास ही जो हमारे देश के जिन्हें धन का देवता कहा गया है कुबेर, यक्षराज कुबेर की नगरी जो है पिगोंग झील के आसपास ही मानी गई है। तो ये भी माना गया कि धन के देवता हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पे सोने का भंडार भी होगा। ये भी एक कारण वहाँ पे है, उसके इंटरेस्ट का कारण है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कुछ और रहस्यमय चीज़ें हैं, जैसे एलियंस का कहा जा रहा है कि एलियंस का वहाँ पे प्लेटफार्म है, एलियंस वहाँ पे आते जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है चीन ने कोशिश कर रहा है कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं, उस क्षेत्र पे कब्जा करने की कोशिश में है। तो यह चीन के ऊपर जो मुख्य रूप से जो दबाव बना है वह दबाव बना है कोविड-19 के कारण, जो दबाव बना है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके प्रति जांच के प्रति जो सभी देश लामबंद हो रहे हैं, इसलिए भी दबाव बना है। चीन ने दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सलामी टैक्टिक्स का सहारा लेता है। सलामी टैक्टिक्स के माध्यम से वह कोशिश करता है कि उसके क्षेत्र में घुसपैठ की जाए और उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से तोड़ा जाए, इसी कोशिश में लगा हुआ है। भारत में भी उसने इसी तरह की कोशिश की, उसने वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से भी भारत को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि भारत में इस पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने इस तरह का दबाव बनाना शुरू किया और घुसपैठ करने की कोशिश प्रारंभ कर दी। यह उसकी नीति ही रही है कि किसी भी तरह से अपने विस्तारवादी नीति के तहत अपने पड़ोसी राज्यों के जो क्षेत्र हैं उस पर कब्जा करें। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या वास्तव में वर्तमान स्थिति में क्या चीन युद्ध कर सकता है? तो हम तो कहेंगे, हमारा जो विचार है, वास्तव में चीन इस स्थिति में युद्ध नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसके मैं कुछ प्रमुख कारण आपको बताता हूँ। इसमें से एक प्रमुख कारण है कि भारतीय बाजार, जो भारत का बाजार है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है उसके विकास का जो क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था पे ही निर्भर करती है। और चाइना की अर्थव्यवस्था भारत के बाजारों पर भी बहुत हद तक टिकी हुई है, भारत के बाजार उसके लिए बहुत बड़ा बाजार है। यदि चीन पे आक्रमण करता है तो उसको भारत जैसे एक विशाल बाजार से हाथ धोना पड़ेगा, तब जबकि विश्व में कोरोना के कारण उसके प्रति नाराजगी बढ़ी हुई है, सब लोग उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि एक बड़ा बाजार उसके हाथ से निकल जाए। और इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी आपने जो भारत में उसने भारत के प्रति जो आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई है उससे चीन समझ चुका है, क्योंकि अभी भारत में एक ऐप आया कि रिमूव चाइना ऐप, और उसको 10 दिन में 50 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया, और चाइना के जो ऐप थे टिकटॉक था और उसके जितने भी ऐप थे उसको अनइंस्टॉल कर दिया गया। इससे जो है उसकी रेटिंग गिर गई, चाइना इससे बौखला गया और उसने दबाव बनाया और उस ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से हटवा दिया। तो एक छोटा सा उदाहरण है। और इस तरह से यदि इसी तरह से भारतीयों के मन में आक्रोश हुआ और स्वदेशी के प्रति उनका भावना जग गई तो चाइना जैसे राष्ट्र हैं वो नीचे लेटे हुए नजर आएंगे। तो यह कोशिश होनी चाहिए कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, जो महात्मा गांधी का नीति रही है स्वदेशी, जो मोदी जी की नीति है स्वदेशी, तो स्वदेशी के ही माध्यम से हम आगे बढ़ें, इसी से राष्ट्र का विकास हो सकता है। फिर मैं आगे बताऊँ कि वर्तमान समय में चीन अलग थलग पड़ा हुआ है, तो ऐसे में जब अलग थलग पड़ा हुआ है तो अगर वो भारत पे आक्रमण करता है तो विश्व से और भी अलग थलग हो जाएगा, और उसे फिर जो है अपने जो व्यापार के लिए भी परेशानी होगी। उसकी जो सेनाएं हैं, सेनाओं की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वह तुरंत भारत के सेनाओं के बहादुरी से मुकाबला कर सकें। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जो भारत में 1962 का युद्ध हुआ था, एक भारतीय सैनिक थे जसवंत सिंह रावत जो गढ़वाल के थे, उन्होंने अकेले ही 300 चाइना के सैनिकों को मार गिराया था और 72 घंटे तक उन्होंने जो है मोर्चा को संभाले रखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ने
जैसे कि अपनों ने ही जो है दगा किया और एक आदमी ने जो जा करके वहाँ उसकी मुखबरी कर दी कि केवल अकेले वो लड़ रहे हैं और इस वजह से चाइना ने उनके ऊपर वहाँ पे पोस्ट पे आक्रमण करके उन पे उनको मारने की कोशिश की और उनका सर काट करके ले गए। तो यह भारतीय सैनिकों की वीरता का ही प्रमाण है कि जो समय समय पे कम संसाधनों में भी अपना वीरता का प्रमाण देते रहते हैं और इससे शत्रु आतंकित रहता है। यह भारत के साहस का प्रतीक है। आगे मैं बताऊं कि पड़ोसियों से भी कई मोर्चे खुलने का डर है। यदि वो चाइना भारत पे आक्रमण करता है तो वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, जापान इत्यादि पड़ोसियों से भी जो है वहाँ पे उसके कई मोर्चे और खुल जाएंगे, जिससे पार पाना चाइना के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये भी एक कारण है कि चाइना भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता है। चाइना बर्बाद हो सकता है, इसलिए बर्बाद हो सकता है कि जो उसकी आर्थिक स्थिति है वह उसका जो व्यापार है वो पूर्ण रूप से टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी राष्ट्र उसके प्रति लामबद्ध हो गए हैं। अमेरिका ने भी जो है उसके ऊपर, अमेरिकी कंपनियों के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। इससे भी चीन बौखला गया है और इससे जो है वहाँ की जनता में चाइना के जो शासक है उनके प्रति नाराजगी बढ़ने लगी है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से चाइना भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता है। और अब लास्ट में बताता हूँ कि भारत की सक्षम सेना है। भारत की जो सेना है वर्तमान समय में 1962 की सेना नहीं रह गई है। आज जो सेना है निश्चित रूप से चाइना के ऊपर हावी नहीं होगी, क्योंकि भारत के पास जो लेटेस्ट हथियार है, राफेल विमान है, ब्रह्मोस मिसाइल है, इसके साथ साथ जो है आधुनिक जो टैंक है वो सभी हमारे पास उपलब्ध हैं और चीन का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर है, भारत ने जो सड़क बना ली है देमचोंग में और दौलत बेग होल्डिंग में, इसका भी एक प्रमुख कश्मीर, इसका भी एक कारण है कि चाइना बौखलाया हुआ है और चाइना के सैनिक समझ रहे हैं, ये वस्तुस्थिति से वाकिफ हैं कि भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और ये भी हो सकता है कि उनको हार का सामना करना पड़े, क्योंकि भारतीय सैनिक पहाड़ के क्षेत्र में लड़ने में माहिर हैं और अपने वीरता का प्रमाण कारगिल के युद्ध में भी दे चुके हैं। तो इसलिए मेरा ये पूर्ण रूप से मानना है कि चाइना भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। यदि वह आक्रमण करेगा तो उसकी अपनी जो विशाल सेना है उसको अन्य विशाल सेनाओं को अपने अन्य मोर्चों पे भी लगाना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में भारत की सेना हावी हो सकती है। भारत की सेना निश्चित रूप से हावी होगी क्योंकि भारत के पास आधुनिक हथियार हैं। तो चीन इस स्थिति को समझ रहा है। तो मैं आप लोगों को पुनः एक निवेदन करूंगा कि आप लोग स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी के माध्यम से ही जो है चाइना को मात दी जा सकती है, जो बिना लड़े ही मात दी जा सकती है। चाइना इससे बौखला गया है। अगर आपने थोड़ा सा और शक्ति दिखाई, थोड़ा सा और आपने स्वदेशी की तरफ आपने आगे बढ़े तो निश्चित रूप से चाइना जैसे पड़ोसी को हम लोग घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको बताए हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत सारे जो अनसुलझे मुद्दे हैं उसके बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से मैं आपको नए नए विषयों पे नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद।